हेलो दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाइंडी ट्यूब प्रयागराज में। और दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोग का आउटपुट डिवाइस, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं करेक्टर प्रिंटर के फर्स्ट टाइप के बारे में, जिसका नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इन द मार्केट वन द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो मार्केट में आपको जो पॉपुलर प्रिंटर मिलते हैं उनमें से एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का भी नाम आता है। ये भी काफी पॉपुलर प्रिंटर है। दिस प्रिंटर्स आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर इजी ऑफ प्रिंटिंग। ये प्रिंटर पॉपुलर है क्योंकि इसके जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है वो काफी आसान है एंड इकोनॉमिकल प्राइस, और इसकी प्राइस भी हर किसी की बजट रेंज में आ जाती है, इसलिए भी ये पॉपुलर है। ईच करेक्टर प्रिंटेड इज इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट्स। तो यहाँ पे जो आपका हर एक करेक्टर प्रिंट होता है वो डॉट के फॉर्म में ही, इट मींस डॉट के हेल्प से ही एक पैटर्न बनाता है और फिर उस पैटर्न को कंप्लीट करता है, तो वो एक करेक्टर प्रिंट हो जाता है। एंड हेड कंसिस्ट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ पिंस ऑफ साइज, एंड वो उसका जो हेड होता है उसमें जो मैट्रिक्स की साइज होती है वो 5x7, 7x9, 9x7 और 9x9, इस साइज का मैटर वो क्या करता है, क्रिएट कर देता है। Which come out to form a character, which is why it is called dot matrix printer. तो इसी के हेल्प से वो करेक्टर कन्वर्ट हो जाता है जो भी प्रिंट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ए प्रिंट करना है तो ये क्या करेगा, ऐसे मैट्रिक्स की हेल्प से डॉट प्रिंट करेगा, उसके बाद ये कंप्लीट कर देता है डॉट डॉट करके। तो क्या होता है, ये इस साइज से आप इस उसका उसके हेड में ये साइज का मैटर आप आसानी से प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बात करें एडवांटेज की, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इनएक्सपेंसिव होता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, वाइडली यूज है, काफी सारे लोग यूज करते हैं। अदर लैंग्वेजेस करेक्टर कैन बी प्रिंटेड, और अदर लैंग्वेज के भी करेक्टर को ये प्रिंट कर देता है। बात की जाए यहाँ पे डिसएडवांटेज की, तो स्पीड क्या है, स्लो है, एंड पुअर क्वालिटी, क्वालिटी भी क्या है, पुअर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है हम लोग का डेजी व्हील प्रिंटर। हेड इज लाइंग ऑन अ व्हील एंड पिंस करिस्पॉन्डिंग टू करेक्टर्स आर लाइक पेटल्स ऑफ डेजी फ्लावर नेम, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डेजी व्हील प्रिंटर। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इस पिक्चर को देख लीजिए। अब पिक्चर को देखने के बाद कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। होता क्या है यहाँ पे, हेड इज लाइंग ऑन अ व्हील एंड पिंस करिस्पॉन्डिंग टू करेक्टर आर लाइक पेटल्स। यहाँ पे क्या होता है, जो भी मैटर होता है, जो भी पिन होता है, उसके करिस्पॉन्डिंग साइड होता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डेजी व्हील प्रिंटर। और उसके करिस्पॉन्डिंग साइड होने की वजह से, इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर। दीज प्रिंटर्स आर जनरली यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग इन ऑफिस। ये प्रिंटर सामान्यतः आपको वर्ड प्रोसेसिंग ऑफिस, मतलब जो एमएस वर्ड, एक्सेल वगैरह ये सब काम करते हैं ना, वहां पे आपको वर्ड प्रोसेसिंग के जो भी सॉफ्टवेयर है वहां पे ये यूज होते हुए मिल जाते हैं। विच रिक्वायर अ फ्यू लेटर्स टू बी सेंट, जहां पे कुछ ही लेटर्स को सेंड करने की, भेजने की जरूरत होती है, एंड दे आर विथ वेरी नाइस क्वालिटी, और इसकी क्वालिटी भी बेटर होती है। एडवांटेज की बात करें तो मोर रिलायबल देन डीएमपी। तो डीएमपी का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन हो जाना चाहिए, मोर रिलायबल देन डीएमपी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डीएमपी के कंपैरिजन में ये ज्यादा रिलायबल होता है, क्वालिटी इसकी बेटर होती है। द फॉन्ट ऑफ करेक्टर कैन बी क्वालिटी चेंज, और यहाँ पे आप किसी करेक्टर के फॉन्ट को आसानी से चेंज कर सकते हो। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो स्लो स्पीड देन डीएमपी। डीएमपी से कंपेयर करोगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, नॉइजी भी है, एंड एक्सपेंसिव देन डीएमपी, और डीएमपी के कंपैरिजन में ये एक्सपेंसिव भी है, काफी खर्चीला भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर के नाम से ही काम क्लियर हो गया होगा, इट मींस ये एक बार में एक लाइन प्रिंट करेगा। लाइन प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स विच प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम। तो एक बार में ये क्या करेगा, एक लाइन मैटर को प्रिंट कर देगा। इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, पहला आपका ड्रम प्रिंटर, दूसरा है चैन प्रिंटर। क्या होता है ड्रम प्रिंटर, तो द प्रिंटर इज लाइक अ ड्रम इन शेप, हेंस इट इज कॉल्ड ड्रम प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर जो होता है इसका शेप ड्रम की तरह होता है, इसीलिए इसको ड्रम प्रिंटर हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रही होगी। द सरफेस ऑफ द ड्रम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ट्रैक। अब इस ड्रम का जो सरफेस होता है वो डिवाइडेड होता है नंबर ऑफ ट्रैक में, वो डिपेंड कर
वो डिपेंड करता है आपके पेपर की साइज पे। टोटल ट्रैक्स आर इक्वल टू द साइज ऑफ द पेपर, तो उसका जो टोटल ट्रैक डिवाइड होगा वो आपके जो पेपर का साइज होगा उस साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी पेपर की विड्थ 132 करेक्टर है, इट मीन्स उसकी जो विड्थ है वो एक बार में वहां पे वो स्टोर करेगा 132 करेक्टर, तो वहां पे आपके जो उसके ट्रैक का साइज होगा वो भी कितना होगा, 132 करेक्टर होगा। एडवांटेज की बात की जाए तो यहाँ पे वेरी हाई स्पीड, स्पीड क्या होती है काफी ज्यादा होती है। डिसएडवांटेज में वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्टली होता है, करेक्टर फॉन्ट कैन नॉट बी चेंज, और यहाँ पे करेक्टर के फॉन्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है चैन प्रिंटर। इन दिस प्रिंटर अ चैन ऑफ करेक्टर सेट इज यूज्ड, हेंस इट इज कॉल्ड चैन प्रिंटर। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर एक चैन की तरह होता है, उसी में उसके सारे करेक्टर सेट फिक्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम चैन प्रिंटर होता है। स्टैंडर्ड करेक्टर सेट मेनी है 48, 64 और 96 करेक्टर्स। एक स्टैंडर्ड चैन में लगभग इतने करेक्टर होते हैं आपके, 48, 64 या 96 होते हैं। एडवांटेज की बात की जाए तो करेक्टर फॉन्ट कैन इजिली भी चेंज, आप इसके करेक्टर के फॉन्ट को आसानी से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड विद द सेम प्रिंटर। आप इसी एक सेम प्रिंटर से अलग अलग लैंग्वेज को यूज करके मैटर को प्रिंट कर सकते हो। डिसएडवांटेज में क्या है, नॉइजी है, इट मीन्स काफी ज्यादा वॉइस क्रिएट करता है। तो यहां से कंप्लीट होता है हम लोग का इम्पैक्ट प्रिंटर। अब बात करते हैं हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, यहाँ पे सीधे सीधे बात की जाए तो ये पेपर को बिना टच किए हुए मैटर को प्रिंट कर देता है, वो अलग अलग टेक्नोलॉजी की हेल्प से। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द करेक्टर विदाउट यूजिंग द रिबन, तो बिना रिबन को यूज किए, बिना रिबन को टच किए ये क्या करता है, किसी भी मैटर को प्रिंट कर देता है। दिस प्रिंटर प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम, ये प्रिंटर कंप्लीट एक बार में एक पेज को प्रिंट कर देता है, दस दे आर आल्सो कॉल्ड एज पेज प्रिंटर। इसी की वजह से इसको हम लोग पेज प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर, तो करेक्टरिस्टिक्स में बात की जाए तो फास्टर देन इंपैक्ट प्रिंटर, सॉरी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें, अगर कंपेयर करेंगे इंपैक्ट प्रिंटर की तो इसकी स्पीड क्या होगी, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की फास्ट होगी। दे आर नॉट नॉइजी, ये नॉइजी भी नहीं होते, क्वालिटी भी क्या होती है, बेटर होती है, हाई होती है। सपोर्ट मेनी फॉन्ट एंड डिफरेंट करेक्टर साइज, कई सारे फॉन्ट को सपोर्ट करते हैं और कई सारे डिफरेंट डिफरेंट साइज को भी सपोर्ट करते हैं। दीज प्रिंटर्स आर टू टाइप, ये प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, लेजर एंड इंकजेट प्रिंटर। आइए बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का लेजर जेट प्रिंटर है। दीज आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर, ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर, इट मीन्स टच नहीं करेगा रिबन को, रिबन का यूज नहीं करेगा। दे यूज लेजर लाइट टू प्रोड्यूस द डॉट्स, ये डॉट को प्रोड्यूस करता है लेजर लाइट की हेल्प से। डॉट नीडेड टू फॉर्म द करेक्टर टू बी प्रिंटेड ऑन अ पेपर, तो किसी भी पेपर में किसी करेक्टर को प्रिंट करने के लिए डॉट की जरूरत होती है, पहले डॉट को क्रिएट करना होता है, तो ये जो डॉट को क्रिएट करेगा वो लेजर लाइट की हेल्प से क्रिएट करता है एंड देन मैटर को प्रिंट कर देता है। एडवांटेज वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट, गुड ग्राफिक्स क्वालिटी एंड इट सपोर्ट्स मेनी फॉन्ट एंड डिफरेंट करेक्टर साइज। डिसएडवांटेज में क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्रिंट, एक सिंगल प्रिंटिंग में आप कई सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हम लोग का इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बेस्ड ऑन रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी, ये भी क्या है, ये भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी के बेस पे वर्क करता है। दे प्रिंट करेक्टर्स बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन टू द पेपर, तो ये क्या करता है, स्प्रे का यूज करके स्प्रे को क्या करेगा, स्प्रे करेगा पेपर पे, उसके बाद उसकी हेल्प से क्या होता है, कोई भी करेक्टर कोई भी मैटर प्रिंट होता है। यहाँ पे क्या करेगा, स्प्रे करेगा छोटे छोटे डॉट को पेपर पे एंड देन कंप्लीट कर देगा उस इंफॉर्मेशन को, उस मैटर को जिसको आप प्रिंट करना चाहते हो। एडवांटेज की बात की जाए तो हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग क्वालिटी क्या होगी, हाई होगी, मोर रिलायबल। डिसएडवांटेज में एक्सपेंसिव एज द कॉस्ट पर पेज इज हाई, एक्सपेंसिव होगा इसके पर पेज कॉस्ट की पर पेज कॉस्ट इसका क्या होगा, हाई होगा एज कंपेरिजन टू अदर प्रिंटर। स्लो एज कंपेयर टू लेजर प्रिंटर, लेकिन लेजर प्रिंटर से कंपेयर करोगे तो ये क्या होगा, स्लो होगा।
तो दोस्तों यहां से कंप्लीट होता है हम लोग का इनपुट सॉरी आउटपुट डिवाइसेस। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, मेमोरी के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है मेमोरी, कितनी मेमोरी होती है, कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। ये ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, वो भी घर बैठे आसानी से इस कोर्स को ज्वाइन करके आप अपने घर पे इस प्रॉफिट ये जो भी सर्विस है इसका प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक के लिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।